सो गाइस हम लोग इमिग्रेट कर लिए हैं और अभी हम लोग नेपाल की ओर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भारत। सो गाइस देख पा रहे हैं वेलकम टू नेपाल। संडे भी स्कूल ओपन रहता है क्या? संडे पर स्कूल खुले होते हैं और शनिवार को बंद रहता है। मनी चेंज करना पड़ेगा आपको एक्सचेंज, नेपाल का एक्सचेंज। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। फिर आगे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ और आज हम लोग जाएंगे नेपाल, जो कि हम लोग काकरबेटा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे क्या कल्चर है आप लोगों को आप लोग के ब्लॉग में लेके आएंगे। आप लोग जरूर देखेंगे इस ब्लॉग में और क्या क्या प्रोसेस है बॉर्डर क्रॉस करने में और क्या क्या है वो आप लोग जरूर इस ब्लॉग में देखेंगे। और अगर आप लोग नेपाल कभी आते हैं तो ये क्या क्या प्रोसेस चाहिए और इमिग्रेशन क्या क्या है वो आप लोग को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले। सो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े घर के गली से निकल पड़े और अभी हम लोग जाएंगे। और गाइस अगर ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ब्लॉग बनाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस नेपाल में नेपाल जाने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे इस ब्लॉग में। और नेपाल एक अच्छा कंट्री है जो कि आप लोग चीप रेट में आप लोग अच्छा अच्छा जगह में घूम सकते हैं। लाइक हम लोग का 100 रुपीज़ वहाँ पे आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट लाइक 200 का आसपास। सो गाइस हम लोग का जो नोट वैल्यू भी काफ़ी वैल्यू है नेपाल में। तो आप लोग अगर चीप रेट में अगर जाना चाहते हैं तो 1000 इनफ हो जाएगा आपके लिए एक पर डे के लिए, एक पूरा एक डे वन डे के लिए आप लोग का इनफ है 1000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब में। और अगर नेपाल करेंसी करेंगे तो आप 1800 रुपया हो गया। तो ठीक है गाइस चलते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इमिग्रेशन है, चेकआउट है वो आप लोग को जरूर दिखाएंगे इस ब्लॉग में, आप लोग सब देखेंगे। सो गाइस ये रहा पाइंडिंग की स्टैंड, यहाँ से आपको दार्जिलिंग काकरबेटा कहीं भी अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल के लिए, यहाँ पे नेपाली सब देख पा रहे हैं। ये है पोपट हो गया अंकित का साथ पोपट हो गया जाते चलते चलते अचानक से एक रैंडमली लेडी से लग गया। सो गाइस कैसे करके हम लोग नेपाल एंटर करेंगे और क्या प्रोसेस है आप लोग को दिखाएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से और आप लोग भी इस ब्लॉग में ज़रूर देख पाएंगे। अगर आप लोग नेपाल आते हैं तो नेपाल के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कई कई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग वहाँ पर ब्लॉग नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं वीडियो, जिसके कारण हम लोग बाद में आप लोग को बोलेंगे। तो गाइस अभी ट्राई करेंगे, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे जो आप लोग को प्रॉपर जो है स्ट्रिक वो आप लोग को ज़रूर दिखाए। सो गाइस हम लोग इमिग्रेट कर लिए हैं और अभी हम लोग नेपाल की ओर जा रहे हैं। ये चेकआउट था हम लोग का, फर्स्ट चेकआउट फर्स्ट लेयर था जो बॉर्डर क्रॉसिंग करने का है, वहाँ पे चेकिंग हो रहा है। हाँ ये जो कि इंडिया के तरफ से हुआ हम लोग का चेकआउट, अभी हम लोग का नेपाल के तरफ में भी होगा, सेम रूल्स और सेम सिस्टम होगा। नेपाल में चेक नहीं होगा, हम लोग तो ऊपर से जाएंगे। ओ गाइस हम लोग तो ऊपर से जा रहे हैं, नेपाल में चेक नहीं होगा, हम लोग ऊपर से जाएंगे। और ये देख पा रहे हैं आप लोग जो कि हम लोग कुछ मंथ पहले हम लोग एक ब्लॉग किए थे जो काकरबेटा एक्सप्लोर किए थे, जो कि हम लोग वो ब्रिज से गए थे और आज हम लोग नए ब्रिज से जा रहे हैं जो कि आप लोग हम लोग वादा दिए थे। सो गाइस नए ब्रिज में काफ़ी अच्छा लग रहा है और गाइस हम लोग निकल पड़े आज नेपाल एक्सप्लोर करने के लिए, दीदी भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस यहाँ से एक अच्छा चीज़ देखने को मिला है, आप देख पा रहे हैं भारत जो कि इंडिया है, स्टोन से डेकोरेट किया गया है वहाँ पे। गाइस अगर आप लोग नेशनल हाईवे ब्रिज से अगर आते हैं तो आपको एक ही चेकअप
चेकिंग के लिए मिलेगा, जो कि चेक पोस्ट होगा आपका, जो इमिग्रेशन होगा नेपाल में एंटर करने से आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो आपका रिक्वायर होगा। अगर आप ओल्ड ब्रिज से अगर आते हैं, ओल्ड ब्रिज से अगर आते हैं तो आपको तीन जगह चेक पोस्ट होगा आपका, जो कि नेपाल से भी किया जाएगा, इंडिया में दो बार किया जाएगा एंड तीन बार, ऑलमोस्ट लाइक तीन बार। और अगर आप लोग नेशनल हाईवे से अगर आप लोग आते हैं तो आपका एक ही चेक पोस्ट होगा। तो गाइस हम लोग का सजेस्ट यही है, अगर आप लोग कभी अगर नेपाल आते हैं तो नए ब्रिज ओपनिंग हो गया है हम लोग का नेशनल हाईवे, जो कि आप लोग का एक ही चेक पोस्ट मिलेगा, आपको हैरेसमेंट भी नहीं होगा और आप फ्रीडमली घूम सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग अभी नेपाल में, देख पा रहे हैं वेलकम टू नेपाल काकड़ बेटा। और ये चेक पोस्ट नेपाल का, और ये हम लोग का इंडिया से टोटो सब आ रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल की ओर, और आप लोग भी देखेंगे काफी अच्छा है ये। सो गाइस नेपाल का जो शस्त्र है वो हम लोग को बोल रहा है, जो यहाँ पे ब्लॉग अलाउड नहीं है, रिकॉर्ड अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो गाइस हम लोग को वो ब्लॉग डिलीट करना पड़ा। तो गाइस कई कई जगह आप लोग को वो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, रिसाइकल बिन में होगा तो वो हम लोग डालेंगे फिर से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, नेपाल पहुँच गए हम लोग। ये रहा नेपाल, नेपाल का घर दिख पा रहे हैं। और अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट से पार्क में जाएंगे और दिखाएंगे आपको। मनी चेंज करना पड़ेगा आपको, एक्सचेंज नेपाल का एक्सचेंज करना पड़ेगा, नेपाल मनी करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको रुपीस को यहाँ पे पैसा में लाना पड़ेगा, अगर नेपाली करेंसी में लाना पड़ेगा, तभी आप पूरा नेपाल एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। नेपाल में भी काफ़ी अच्छा अच्छा स्पॉट है जो कि हिल साइड है, आपको काफ़ी पसंद होगा, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। गाइस से काकड़बेटा हम लोग पहुँच गए, काकड़बेटा पहुँच गए, ये बस स्टैंड है पीछे जो कि बहुत अच्छा, और पीछे से आप बहुत अच्छा होटल मिलेगा आपको, लॉज जो कि आप लोग स्टे कर सकते हैं। ये भी मनी चेंज है, एक्सचेंज मनी। सो गाइस दीदी अभी कान का इयररिंग खरीदेगी और आज हम लोग नेपाल में देखते हैं कैसे है, कैसे प्राइस है। ये वाला आएगा, ये है मार्केट, स्मॉल मार्केट काकड़बेटा का। और अभी हम लोग जाते हैं नेपाली ट्रेडिशनल, जो नेपाली का ट्रेडिशनल है वो आप लोग को दिखा रहे हैं। ऐसे नेपाली का ट्रेडिशनल है माला, काफ़ी धूप है गाइस बाहर, देख ही पा रहे हैं। सो गाइस ये कान का 60 रुपीज़ नेपाली, नेपाली 60 रुपीज़, इंडियन समथिंग वही 40 रुपीज़ वही इंडियन। गाइस यहाँ पे आपको घर देख के आपको मन भर जाएगा, इतना अच्छा अच्छा घर, मॉडर्न घर अच्छा लगता है। हर घर में फूल लगाए रखे हैं सामने, घर के सामने, घर कैसे भी हो लेकिन फूल तो अच्छा होना चाहिए। नेपाली लोग का ट्रेडिशनल है ये, नेपाली लोग का मतलब एक कल्चर है, एक इन्वायरमेंट है, अच्छा लगता है। हर जगह फूल खिला हुआ है, आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगता होगा, आप लोग के घर के सामने भी फूल होगा। सो गाइस यही पार्क है जो कि अभी मेंटेनेंस चल रहा है, न जाओगे गाइस? ये मेंटेनेंस चल रहा है, यहाँ पे एक मेला होगा बड़ा मेला, जिसके कारण मेंटेनेंस चल रही है, इसलिए हम लोग पार्क में एंटर नहीं कर पाए। हम लोग नेक्स्ट कभी आएंगे तो यहाँ पे पार्क में आप लोग को टूर दे देंगे। सो गाइस हम लोग का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा करके आप लोग के लिए ब्लॉग ला रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से नेपाल से निकल रहे हैं और अभी हम लोग इंडिया पहुँचेंगे।